हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और ये सिक्स क्वेश्चन होगा क्लास 10-50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है। फाइंड ऑल अदर जीरोस ऑफ दिस पॉलीनोमियल इफ इट्स टू जीरोस आर √5/3 एंड −√5/3। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं इसमें क्या करते हैं कि ये जो दो जीरोस दे रखे हैं हमें इनका एक फैक्टर बनाना होता है, देन एक फैक्टर को हम डिवाइड करेंगे, इससे जो कोसेंट आएगा उसको हम दोबारा फैक्टराइज करेंगे, देन जो एक्स की वैल्यूज आएंगी हम उसको जीरोस मानते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यदि ये जीरोस हैं दो तो पक्का ये एक्स की वैल्यू होंगी। यदि एक्स की वैल्यू √5/3 है तो एक्स −√5/3 इज इक्वल टू जीरो, ये एक फैक्टर होगा। ठीक है, और x इज इक्वल टू यदि −√5/3 है तो x +√5/3 भी एक फैक्टर होगा। अब यदि ये दो फैक्टर हो गए और इनकी मल्टीप्लाई यदि हम करते हैं तो जो थर्ड चीज आएगी वो भी एक फैक्टर आएगा। सो एक्स स्क्वायर −5/3 भी फैक्टर हो गया। हमने इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करी, सो एक्स स्क्वायर −5/3 भी एक फैक्टर निकल कर आ गया। अब एक्स स्क्वायर −5/3 जो है ये डिविडेंड हो जाएगा। देखिए 3x^4 + 6x^3 − 2x² − 10x − 5, ये 10x है यहां पर। ठीक है, आगे देखिए क्या करते हैं। ये जो फैक्टर आ गया उसको हम डिवाइड करेंगे −5/3। हमें फर्स्ट वाले को सेम करना होता है, फर्स्ट वाले को सेम करेंगे। सो फर्स्ट वाले को सेम करने के लिए हम 3x² की मल्टीप्लाई करेंगे। यदि 3x² की मल्टीप्लाई हम x² में करते हैं तो 3x^4 आ जाता है। अब 5/3 की मल्टीप्लाई भी हम 3 में करेंगे तो 5/3 की मल्टीप्लाई हम 3 में करते हैं तो −5x² आएगा। देख लीजिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 5x² आ गया। देन साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है ये माइनस में होगा, ये माइनस है ये प्लस में होगा। सो ये कट गया, x³ यहां पर +3x² − 10x − 5। अब 6x³ को सेम करेंगे। 6x³ को सेम करने के लिए +6x की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6x की मल्टीप्लाई करेंगे देन 6x³ आ जाएगा। 6x³ आ गया, −5/3 की मल्टीप्लाई हम दोबारा 6x में करेंगे, सो 3 6 देन −10x आ गया। साइन चेंज करिए, ये प्लस है माइनस में, ये माइनस है प्लस में आ जाएगा। सो 6x³ कैंसिल हो गया, ये −10x³ भी कैंसिल हो गया, 3x² − 5। अब सेम करने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, +3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया देन 3x² आ गया −5 आ गया। ये दोबारा साइन चेंज होगी, माइनस प्लस दोनों कैंसिल हो गए। अब हमारा क्या है, ये 3x² + 6x + 3 ये हमारा कोसेंट आया, सो हम इसको फैक्टराइज करेंगे। 3x² + 6x + 3 = 0। अब देखिए हमें ऐसे दो नंबर ढूंढ रहे हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 9 आए और ऐड करें तो 3 आए, तो ऐसे दो नंबर कौन से होंगे, 3 और 3। ठीक है, तो 3x² + 3x + 3x + 3। ठीक है, सो इन दोनों 3x² + 3x इसमें से हम 3x को कॉमन ले लेंगे, सो x+1 आ जाएगा, और इसमें हम 3 को कॉमन ले लेंगे तो x+1 आ जाएगा। देन x+1 ये कॉमन आ गया और 3x + 3 ये दूसरा फैक्टर बन गया, इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए यदि x+1 जीरो के इक्वल है, यदि x+1 जीरो के इक्वल है तो x की वैल्यू −1 आ गई, और यदि 3x + 3 जीरो के इक्वल है तो x इज इक्वल टू −1 आ जाएगा। अब देखिए हमारे जो सारे फैक्टर्स होंगे वो क्या क्या होंगे, √5/3 −√5/3 और −1 और −1, ये हमारे सारे जीरोस आ गए। ठीक है, तो आगे की वीडियोस में हम और क्वेश्चंस की बात करेंगे। थैंक यू।